बता चुके हैं, तालियों से उनका स्वागत करिए। यहाँ पर जो 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव में उतरे हैं, आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी यहाँ पर माता के इस दरबार में पहुंचे, उनका फिर एक बार तालियों की इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय सम्मान जितेश वोरा उषा वोरा उनसे मैं विनती करूंगा मंच पे आ जाए। बीरबल बिश्नोई जी मंच इस कार्यक्रम में मुजफ्फर हुसैन जी अपना अमूल्य समय देने के लिए काफी व्यस्त है वो, और मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी से मैं विशेष गुजारिश करूंगा श्री मुजफ्फर हुसैन जी का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। राजेंद्र चौधरी जी पुष्प गुच्छ और शॉल से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी शॉल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष आदरणीय अंकुश मालूसरी जी का भी स्वागत राम उजागर यादव जी करेंगे। जितेश वोरा जी आप करिए पुष्प गुच्छ और शॉल देकर अंकुश मालूसरी जी का स्वागत करिए। जिला अध्यक्ष सभी आए हुए दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ इस शुभ कार्य में और शुभ अवसर पर आदरणीय सम्मान्य मुजफ्फर हुसैन जी यहाँ पर आए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने शुभ शब्द यहाँ पर उन्हें दिए हमने। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले दशहरे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या तालियां नहीं, खुशी नहीं है? दशहरे का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेशा लाता है, सही है गलत है? माँ दुर्गा के आशीर्वाद से नवरात्र में माँ दुर्गा के नौ स्वरूप आते हैं और सुख समृद्धि लाते हैं और समाज में जो भी अन्यायकारक चीजें हैं उसे दूर करते हैं। तो आप और हम अम्बे माँ के पास ये प्रार्थना करें कि आपके हमारे जीवन में, समाज में, शहर में, देश में, दुनिया में जो भी बुराई है उस पर अच्छाई की मात हो और आपका हमारा जीवन सुखमय हो और समृद्ध हो। आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद श्री मुजफ्फर हुसैन जी 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से